हत्या किया, सारी पब्लिक इकट्ठी हुई थी सराय के ऊपर, वायदा करके फिर हमने जिताया। आज तक हमारे ढेर का कोई निशान भी नहीं। हम मावली तहसील के गोलवाड़ा गांव के देवरे में उपस्थित हैं और आज हम यहां पे ग्रामीणों के साथ बैठे हैं और मुद्दा वही है बागुलिया बांध का। उदयपुर संभाग में जमकर बारिश हुई, इंद्र देवता ने इस बार दुगनी बारिश दी हमको, लेकिन उदयपुर संभाग के सारे झील तालाब भर गए और यहां से उदय सागर का पानी ओवरफ्लो होके जो वल्लभ नगर का सर्जना बांध है वो भर गया, उसके बाद बड़गांव का बांध है चित्तौड़गढ़ का वो भर गया ओवरफ्लो होके, उसका पानी गंभीरी नदी में होते हुए बिसलपुर तक चला गया और बिसलपुर भी ओवरफ्लो हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दिए तले अंधेरा वाली बात हुई है कि जो मावली का बांध है जो फतेह सागर का डेढ़ गुना उसकी क्षमता है वो नहीं भर पाया, वो आधा ही है। और ये केवल इसी वजह से हुआ कि जो नहर है 20 किलोमीटर की डबोक से बागोलिया के लिए बननी चाहिए थी वो राजनेताओं के वायदों की वजह से नहीं बन पाती। हर चुनाव में वायदे करते हैं लेकिन वो नहीं बन पाती। तो इस अवसर पे हम इस चर्चा को बात करने के लिए ग्रामीणों के साथ उपस्थित हैं यहाँ देवरे में। तो आप अपना नाम बताइए। रामलाल। रामलाल जी आप कौन से गांव से हैं? गोविंदपुरा से। गोविंदपुरा से। तो ये जो बागोलिया इस बार नहीं भरा है, उदयपुर संभाग में इंद्र देवता ने बहुत पानी बरसा है लेकिन बागोलिया नहीं भरा, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? आप पानी की संभावना मांगते हैं, नहर की जरूरत है माने जी। पानी डालने की नहर के लिए तो 2016 में राजस्थान सरकार को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के भेज दी थी यहाँ के अधिकारियों ने, लेकिन बजट 20 करोड़ रुपए तो उस पे अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं कर पा रहे कोई नेता? आज तक कही दी भी नहीं और सर्वे पे तो कर दी लेकिन पछता पास नहीं किया, चालू नहीं किया आज तक। वो तालाब खाली भी पड़ा है आज तक। वही तो उसकी ये जो खाली नहर नहीं बनने के पीछे आप क्या मानते हैं? इसके पीछे आम जनता की गलती है या नेताओं की गलती? नेताओं की गलती है, आम जनता सब चाह रही है वो पानी जो बागोलिया में पड़ना चाहिए। जी जी जी। आपकी क्या राय है इस बारे में, किसकी गलती है ये? अच्छा जी, तो हम और भी ग्रामीण है हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे, देवरा पे बैठे हैं यहाँ पे जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो नारायण दास है, मैं तो इसी के पास में रहने वाला हूँ जी। मगर क्या कभी से सुन रहे हैं ना, तो सुन रहे हैं तो उस हालत में ये देखने को मिला कि मतलब पानी बागोलिया में गिर जाना चाहिए, मगर ऐसी स्थिति में मतलब इन नेताओं की या आपसी झगड़ा मानो या कुछ भी इनका मतलब रुतबा बताने के लिए तो मतलब ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरे को ये अंदाज लग रहा था। तो इसके लिए मावली की जनता को इकट्ठा होके नेताओं को या सरकार को बात कहनी चाहिए? हाँ, सरकार को सामने जो है ये कहनी चाहिए। जनता तो कह रही है मगर ऐसी सुनने वाला कौन है? ये एक ये संगठन आया किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ, वो इस दिशा में काम कर रहा है, तो उस संगठन के साथ आपको क्या लगता है, वाकई वो गंभीर है ये संगठन? हाँ, ये तो सुन रहे हैं अभी तक तो क्या है, मगर उनका भाव, उनका जो भाव है तो वो अच्छा लग रहा है। वो संगठन अगर ये मावली में या जिला कलेक्ट्री पे उदयपुर पे अपने मावली को बुलाता है बागोलिया को भरने के लिए, तो आपका क्या विचार है, चलना चाहिए जनता को? हाँ साहब, चलना सब, बिल्कुल चलना, सब जनता जा रहे होकर हम लोग लेके आए। हाँ बिल्कुल जा रहा, बागुलियर बात है, हजारों का क्या बेड़ी कर देंगे हजारों। हाँ, और इसमें ये जो बांध आप देखो, देवता ने अपने को दुगनी बरसा दी इस बार और ये उदय सागर ओवरफ्लो के इनका चला गया, अभी भी फुल चल रहा है लेकिन पानी इधर नहीं आया, तो कारण क्या मानते हैं, नेताओं की गलती है? 66 ओवर में दो बार बरानो है खाली, दो बार बरानो क्या खाली, पूरा नहीं कर रहे, पूरे नहीं करे काम, वोट लेके लेके गया, वोट लेके लेके आपसे लड़िए पानी रे बगैर मर गई, पानी बगैर इतना पानी गिरा तो भी पानी नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तो मेवाड़ का पानी जयपुर चला गया। हाँ, तो पानी जयपुर चला गया। अब हम पानी नहीं तो काश्तकार क्या करें? 20 किलोमीटर बदल से गए, 20 किलोमीटर
दो साल पचे पचे चुनाव तो नेता पचे आएगा कई जवाब देगा वन आप जवाब देगा वागुलिया रो पानी नहीं पीड़ो अब माने अमल में आए उस जगह वोट डालेंगे फिर क्या नहीं करेंगे वोट भी नहीं करेंगे भी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे इतनी बारिश गिरी और वागुजा बांध खाली पड़ा है और माने या नंदी सर या नंदी हमारी तहसील पानी बहुत दुख पाई थी तहसील हम लोग नहीं पूरी तहसील दुख पाई हमारी और वागुजा पड़ता पूरी तहसील बापरा 33 गांव मावली है तालाब रे पाचे लगा था तो पानी यही। तो आपने देखा कि ग्रामीणों का पूरा गुस्सा है नेताओं को लेकर कि उन्होंने वायदे किए चुनावों में और हर बार वायदे करते हैं लेकिन ये बागोलिया की जो ऐसा यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हो गया ये भर ही नहीं रहा है और इन्होंने ग्रामीणों का साफ मानना है कि भाई ये गलती केवल नेताओं की है और किसी की नहीं है और इन्होंने कहा है कि इस बार अगर वोट इन्होंने नहीं काम किया तो हम वोट भी नहीं डालेंगे बहिष्कार करने की भी बात कर रहे हैं और साथ में जो संगठन है इसके लिए काम कर रहे हैं उनके साथ ये कहते हैं अगर जहाँ जरूरत होगी तो हम उनके साथ जरूर आके खड़ा होंगे।